हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए एक और वीडियो में आज मैं पीएनएल लेकर आया हूँ मई मंथ का, ठीक है, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं फिलहाल में और इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं 4 तारीख को, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी बढ़ी हुई है और इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी सेलर्स को दिक्कत भी हो रही है। लेकिन जो स्मार्ट तरीके से सेलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें हमें प्रॉफिट हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी नुकसान हुआ है, मुझे भी नुकसान हुआ है। मैं दिखाऊंगा किस तरीके से मैं चलाऊँगी इस महीने और सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि लॉस मुझे 2 दिन हुआ है गाइज, ये 2 दिन है 16 और 23 तारीख को। एक दिन मुझे बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, वो है 23rd ऑफ मई। उस दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया और उस दिन का मोमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था मार्केट के अंदर, बताया तो, ठीक है। 13 तारीख से हम देखेंगे, क्योंकि उससे पहले शायद मैं वीडियो में बता चुका था कि मेरा प्रॉफिट किस तरीके से कितना चल रहा है। इस मंथ में मंथ एंड होने वाला है, ठीक है, लेकिन मैं हर दिन पे बात कर लेता हूँ कि मैंने कितना प्रॉफिट कैसे मार्केट से मैं बचा और किस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी रही है, जो कि मैंने अपने प्रॉफिट को जनरेट लगातार किया है, ठीक है। और इस महीने में भी मेरे को लॉस नहीं हुआ, मुझे लग रहा था इस महीने में भी मुझे लॉस हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा क्या इलेक्शन है या फिर कोई भी इवेंट होता है उससे पहले जो है प्रीमियम बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से वो चल रहे होते उस तरीके से ना चल के किसी और तरीके से चलते हैं और वहाँ पर हमें लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। हालांकि मुझे लॉस नहीं हुआ, बट हाँ, एक दो दिन मार्केट ने जरूर मुझे परेशान किया। तो 13th से शुरू करता हूँ मैं, यहाँ के पहले के प्रॉफिट शायद मैं बता चुका था। 13th को 14,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उस दिन का मार्केट मैं देख लेता हूँ, उस दिन का मार्केट है यहाँ से शुरू होता है, हाँ, यहाँ पे मेरी जो पोजीशन थी, जहाँ तक है मैंने ज़्यादातर हैज करके ही चल रहा हूँ गाइस, ठीक है। और इसमें मैं प्रॉफिट बनाने में जो है सफल रहा, ठीक है। आप देखो, सबसे पहले ये जो कैंडल है ना, ये वाला जो लंबा ग्रीन है, यहाँ पे तो मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, मे बी 7-8 हज़ार ही होगा, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेकर इसमें 14,000 का प्रॉफिट कर लिया था, डबल हो गया था मेरा प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये उस दिन का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, 13 तारीख को। फिर 14th को मैं कॉस्ट पर बंद हुआ, कहीं ना कहीं हो सकता है मैं इसमें लॉस में चल रहा कॉस्ट पर चलूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कॉस्ट पर बंद हो गया 14 तारीख को। 15 को मेरा 20,000 का प्रॉफिट, 15 तारीख को 20,000 रुपीज़, ठीक है, ये रहा 15 तारीख। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया, प्रीमियम को मैंने सेल किया, हमारे यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बन गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई, बस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा था। आपको लग रहा होगा छोटा मोमेंट है, बट इट इज़ थोड़ा ज़्यादा मोमेंट है, ठीक है, बट हाँ, इसमें भी हम सेफ रहे, बट हाँ, यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल गया 20,000 का, जो कि 1% ऑफ द कैपिटल है, ठीक है। 16 तारीख आ जाती है, लॉस वाला दिन बनता है ये वाला मेरा, और 10,000 का मुझे लॉस होता है। गाइज, मेरी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 0.5% ऑफ माई टोटल कैपिटल, मीन्स अकाउंट में 20 लाख रुपीज़, और मैं टोटल जो कैपिटल का रिस्क ले रहा हूँ वो है मैं 0.5% ऑफ द कैपिटल, ठीक है। 10,000 का मुझे उस दिन लॉस होता है। 16 तारीख को मैं कहाँ फंसता हूँ, कैसे फंसता हूँ वो देख लेता हूँ। 16 तारीख को ये है मोमेंट, जो कि नीचे की तरफ आया हुआ है बहुत ही बढ़िया करके, और फिर ऊपर की तरफ भी आया हुआ है, नीचे जाने के बाद देन ऊपर चला गया, मैं इस मोमेंट में फंस गया, ठीक है। हालाँकि यहाँ तक जहाँ तक मेरा प्रॉफिट होगा, बट हाँ, मैं यहाँ पे भी नहीं था, बच गया था यहाँ पे, लेकिन मेरा जो मोमेंट हुआ था शायद, हाँ, इसमें यहाँ पे, हाँ, मैंने यहाँ पे जब मार्केट नीचे आने के बाद पूरी तरीके से फिर ये रिकवरी किया, देन मैंने यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया था, कि मुझे लगा था यहाँ सब मार्केट नीचे नहीं आने वाला, मैंने यहाँ वाला पुट शॉर्ट किया ज़ीरो कराने के लिए निफ्टी में था उस दिन, और यहाँ पे, लेकिन उससे भी ये दोबारा नीचे आया, मेरा ऐसा लेट हुआ, तो वही पूरा 10,000 का लॉस है, उसमें हैजिंग नहीं थी, ठीक है। अगर मैं शायद हैजिंग के साथ जाता तो मे भी यहाँ पे मेरा नुकसान नहीं होता वो भी, तो 10,000 का मैंने लॉस बुक कर लिया। 17 तारीख को मेरा 17,000 का प्रॉफिट हुआ, 17,000 का प्रॉफिट जो है वो है 17 तारीख की रहा, ठीक है। 17 तारीख को मार्केट साइडवेज रहा, कुछ मूवमेंट नहीं हुई ज़्यादा, तो हमारे यहाँ पे 17,000 का प्रॉफिट हमें मिला, ठीक है। कॉल और पुट दोनों ही मैंने सेल किए हुए थे। उसके बाद 6,000 का प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, 6,000 मार्केट से हम बचे, बहुत अच्छी बात है 18 तारीख को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मोमेंट रहा होगा 18 तारीख को, इसका मतलब मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड किया, इसमें इस दिन मेरा 6,000 का प्रॉफिट, अच्छा 18 तारीख को 6,000 का प्रॉफिट है, हाँ, क्रूड ऑयल में मैंने ट्रेड किया होगा, क्योंकि 19 तारीख का छुट्टी है, संडे पड़ रहा है, अच्छा ये सैटरडे वाले दिन का मार्केट है, सही है, ठीक है, ये सैटरडे को शायद मार्केट खुला था 18 तारीख को, हाँ ये रहा थोड़े से टाइम के लिए, ये उस दिन का मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पे मैंने ये बेच दिए थे दोनों कॉलर पुट, वहाँ पे डीके मिल गया था मॉर्निंग में, अच्छा, लेकिन उसके बाद जो प्रीमियम में भाई बहुत सारा बढ़ गए थे प्रीमियम, ठीक है, आपने अगर ट्रेड किया होगा तो आपको पता होगा कि बाद में प्रीमियम कैसा बढ़ा था, बट मैं 6,000 का प्रॉफिट में निकल गया, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहता, बस मैं देखना चाहता एक्सपीरियंस लेके कि हाँ
कि कैसा चलता है आज का मार्केट। 19 तारीख का संडे का छुट्टी, 20 तारीख को 7000 का प्रॉफिट, ठीक है, और 21 तारीख को मेरा 9000 का प्रॉफिट। ज़्यादा बड़े प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे छोटे छोटे, बट ये है कि अपने आपको सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम में, क्योंकि क्या है ये लास्ट अब वीक स्टार्ट हो जाएगा। अपने आपको सबसे ज़्यादा है कि मैं इसमें सेफ रखूँ, अपना कैपिटल ना जाने दूँ, अपने आपको कॉस्ट पर रखूँ किसी भी तरीके से, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है वो अपना जनरेट कर लूँ, ठीक है। मेरा मेन मकसद अभी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बचा, फिर यहाँ पे मैं 11000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 23rd को मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ इस महीने का भी, और पिछले 5 महीने में या 6 महीने में मेरा सबसे बड़ा लॉस यही है गाइस, 18,592 रुपीज़, 0.5% ऑफ टोटल कैपिटल मेरा रेस कराया था, बट यहाँ पे जो मेरा कैपिटल गया वो अराउंड 1% के आसपास गया, ठीक है। यहाँ पे मेरी गलती ये रही कि मैंने मार्केट में थोड़ा सा वेट किया एंड के टाइम पे, और यहाँ पे मार्केट में क्या मोमेंट आ गया था एंड में, अगर आप देखोगे तो ये जो मोमेंट आया हुआ है, ठीक है, 23rd को ही मेरा लॉस था, ये 23rd का ही चार्ट है, नहीं 23rd, हाँ ये 23rd का यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और अपना 23rd को ही लॉस है। तो यहाँ पे मेरी सेंसेक्स में उस दिन पोजीशन थी, ये निफ्टी है, निफ्टी में भी थोड़ा कम मोमेंट आया हुआ, लेकिन जो सेंसेक्स में मोमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, मार्केट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था, ठीक है। और जो मेरी कॉल्स थी उन्हें मैं निकाल नहीं पाया था, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बड़ा लॉस हुआ, ठीक है, बट इट्स ओके, वो मेरी गलती है, तो गलती का मुझे रिजल्ट भी मिला है 18,000 का लॉस। बट उसके बावजूद भी आप देखोगे तो मुझे मैक्सिमम कितना लॉस हुआ है, ठीक है, 18,000, जो कि मेरे टोटल कैपिटल का अभी भी 1% ही बैठता है, ठीक है, जो कि मैं अपने रूल्स में बताता हूँ कि आपका तभी भी किसी भी हालत में कितना ही बुरा मार्केट चल जाए, लेकिन आपका 1% कैपिटल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, चाहे कैसा भी मार्केट क्यों ना हो, ठीक है, वहाँ पे आपको कट करना ही है, चाहे मार्केट में आप कहीं भी बैठो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे 1% का लॉस हुआ, यही मेरा पिछले 5 महीने में सबसे बिगेस्ट लॉस है, ठीक है। उसके बाद हम 24th को मैं इस लॉस को रिकवर कर लेता हूँ, 21,000 का प्रॉफिट हो जाता है अगले ही दिन, ठीक है, 21,000 अपने पिछले दिन का हमने लॉस रिकवर किया और यहाँ पे हम प्रॉफिट में आ गए। तो 25th आज की छुट्टी है, ठीक है, अभी आने वाले ट्रेडिंग सेशन है 5, हो सकता है इस महीने में मेरा जो अभी तक प्रॉफिट निकला है ये हम गिनेंगे 1,30,000 के आसपास है, जो कि अराउंड बैठता है 6.5% ऑफ टोटल कैपिटल। मैंने 20 लाख से ट्रेडिंग शुरू किया था इसमें, और 6.5% मैं इस महीने बना चुका हूँ, ठीक है। इसको 1,50,000 या 50,000 से ऊपर मे बी अगर यहाँ पे भी रहता है तो भी मेरे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की डेज हो सकते हैं। इंडिया वीक्स अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अभी लास्ट वीक चलेगा, लास्ट वीक से थोड़ा पहले है ना, क्योंकि 4 जून आने ही वाला है, तो मे भी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की मार्केट हो सकता है। बट अगर मैंने अपने आप को यहाँ पे भी रखा, अपने प्रॉफिट को बचा के रखा, तो भी हमने गाइस बहुत अच्छा ट्रेड किया, यूँ समझ लीजिए, ठीक है गाइस। तो देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, इस वाले वीक में उसका भी मैं अपडेट दूंगा गाइस, ठीक है। जो जैसा भी होगा मैं सारे दिन का अपडेट दे दूंगा, जो भी होगा मेरे साथ वो सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। 21,000 का गाइस मैंने मॉर्निंग में प्रॉफिट कर लिया था, मैं ये बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं था, सेंसेक्स में जो है प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई थे, ठीक है, जो लोग सेलर हैं उन्होंने देखा होगा, तो प्रीमियम जो है सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा आई थे, मैंने सेंसेक्स में अपनी पोजीशन बनाई थी, और मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था कल, निफ्टी सेंसेक्स वगैरह बैंक निफ्टी भी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, प्रीमियम में अच्छा खासा टिके आया, मार्केट में कहीं मूवमेंट नहीं आया, तो मेरा अपने प्रॉफिट हो गया इसमें अच्छा खासा, ठीक है, तो इसलिए मेरा रिकवर हो गया। और अभी हम 6.5% बना चुके हैं, देखते हैं इसको मैं अचीव कर पा सकता हूँ या नहीं, 1,50,000 हो सकता है मैं इसको कर लूँ, ठीक है, 7% या 8% तक मैं लेके जाऊँ, बट देखते हैं गाइज, वो सब टाइम बताएगा, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, और जैसा भी होगा वो आपको पता चलेगा। गाइज मैं अभी धन में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो गाइज धन में आप अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है, और उसके साथ साथ मेरे साथ ट्रेडिंग करिए और सीखिए अच्छे से, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप अकाउंट खोलिए और इसकी सारी फैसिलिटी का यूज़ करिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।